ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार प्राध्यापक डॉक्टर नीलेश गावंडे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिन्हें अखिल भारतीय तांडा सुधार समिति का समर्थन मिला है। शिक्षकों की समस्या और शिक्षण क्षेत्र के गंभीर प्रश्नों की जानकारी रखने वाले उम्मीदवार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे को अखिल भारतीय तांडा सुधार समिति ने अमरावती विभाग शिक्षण मतदार संघ के चुनाव में अपना जाहिर समर्थन घोषित किया है। हमार छोरा नीलेश गावंडे, हमार मन क्या नीलेश गावंडे कहते हुए 5 जिलों के बंजारा समाज के शिक्षक मतदार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश नारायण राव गावंडे के प्रचार में जुट गए हैं। प्राचार्य डॉक्टर गावंडे यह पुरोगामी विचार के और परिवर्तनवादी जीवन सृष्टि के व्यक्तित्व के है। अमरावती विभाग शिक्षण मतदार संघ से वे परिचित है। उनकी भूमिका और कार्यों का आदर करते हुए अखिल भारतीय तांडा सुधार समिति ने उनका समर्थन घोषित किया है। सभी बंजारा शिक्षक तन मन से उनके प्रचार में जुट गए हैं। यवतमाल और वाशिम जिले में बंजारा समाज के शिक्षकों की भारी तादाद को देखते हुए इसका लाभ निश्चित रूप से डॉक्टर नीलेश गावंडे को होगा, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। स्वयं शिक्षक होने के कारण उनका शिक्षकों से नज़दीकी संबंध है। शिक्षकों की समस्याओं की पूरी जानकारी उन्हें है। अभ्यासु और सक्षम नेतृत्व के कारण प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। नमस्कार, मी प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे, संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र शिक्षक आघाड़ी, सीनेट तथा व्यवस्थापन परिषद सदस्य संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती, तसेच सचिव प्राचार्य पुरम संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती। मी गेल्या 25 वर्षापासून शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे। आज आपण पाहत आहे की या मतदार संघात शिक्षण क्षेत्राबाहेरील उमेदवारांची वर्दळ वाढलेली आहे। मी सांगू इच्छितो की आपण मागचा अनुभव लक्षात घेता आपल्याला लक्षात येईल की जे पेशाने शिक्षक नसलेले उमेदवार जेव्हा या मतदार संघात निवडणूक लढवतात तर त्यांना या शिक्षण क्षेत्राबद्दल एक ॲफिलेशन, एक प्रेम, जिव्हाळा या गोष्टी राहत नाही। आपण पाहतच आहे की विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न हा मोठा आव असून उभा राहिलेला आहे। ज्या शिक्षकांना 15-20 वर्ष झाले वेतन एक रुपया भेटला नाही अशा शिक्षकांचे आज आपण हाल पाहत आहे। आज ते वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा व्यवसाय करून आपली उपजीविका भागवत आहे। हे अमानवीय कृत्य आपल्या शिक्षण क्षेत्रात होत आहे आणि ही प्रचंड खेदाची बाब आपल्या सर्व शिक्षकांसाठी आहे की जुनी पेन्शन असेल ही समस्यासुद्धा किती दिवसापासून प्रलंबित आहे। जे आमदार खासदार फक्त 5 वर्षाची सेवा देतात त्यांना आजीवन पेन्शन लागू होते आणि आपल्याला का नाही हा सुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यासमोर आहे। तसेच वरिष्ठ श्रेणी असो निवड श्रेणी असो बरेचसे प्रश्न असे आहेत की ते प्रलंबित आहेत। आता वरिष्ठ महाविद्यालयाचे सुद्धा 2016 आपण जे वेतन आयोग लागू झाला त्या वेतन आयोगातल्या त्रुटी, MPhil PhDच्या वेतनवाढी अशा बऱ्याच समस्या या शिक्षण क्षेत्रात आहेत। आज शासन वारंवार आपल्या शिक्षण क्षेत्राच्या विरोधात अनेक शासन निर्णय काढतात आणि धाडसानेही काढतात पण कोणीही त्याला विरोध करत नाही। याचं कारणच एक आहे की तो व्यक्ती या मतदारसंघातून जो निवडून जातो तो शिक्षक नसल्यामुळे त्याला ॲफिलेशन, प्रेम आणि भावना ह्या राहत नाही की शिक्षकांचा हा शिक्षकच आमदार असला पाहिजे, या क्षेत्रातला असला पाहिजे। त्या सगळ्या गोष्टी इव्हॅल्युएशन, एक्झामिनेशन झाल्याशिवाय आपण आपलं बहुमूल्य मत वाया घालू नये आणि आपण एक निर्धार करूया की यावेळेस आपल्या क्षेत्रातला शिक्षण क्षेत्रातला उमेदवार निवडून देऊया। शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी मला पसंती क्रमांक 1 चे मत देऊन सेवेची संधी द्यावी ही नम्र विनंती।